सबसे पहले मैं आपको विधानसभा के गरिमामय अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुने जाने पर हार्दिक बधाई देती हूँ। सदन की शुरू से चली आ रही परंपरा के अनुसार अध्यक्ष का पद सर्वसम्मति से निर्वाचित होता आया है और मुझे खुशी है कि इस बार भी आप सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत विशेष बधाई। विधानसभा और लोकसभा का लंबा अनुभव रहा है आपका और इसलिए आपको संसदीय पद्धति का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। इस पद पर बैठने का पद न केवल गरिमामय होता है अध्यक्ष महोदय, बल्कि गौरवशाली परंपराओं का निर्वहन करने वाला भी होता है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप अपने सरल सौम्य स्वभाव, बुद्धि चातुर्य और आपके प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व से सभी मान्य सदस्यों से के साथ पूरा न्याय करेंगे। ये सदन लोकतंत्र का रथ है और आप हैं उसके सारथी। लोकतंत्र रूपी इस रथ में पक्ष और विपक्ष दो पहिए हैं। इन दोनों पहिए में संतुलन बनाए रखने का एक बहुत बड़ा काम है जो आपको करना है। महोदय, आप जानते हैं कि विधानसभा का ये पवित्र भवन सिर्फ ईंट, गारे और पत्थर का नहीं, प्रदेश के करोड़ों लोगों की भावनाओं का एक बहुत बड़ा मंदिर है। यहां बोले जाने वाले हर शब्द पवित्र और अटल सत्य होना चाहिए। यहां की प्रतिध्वनि सिर्फ इसी सदन में नहीं, प्रदेश और दुनिया में भी गूंजती है। इसलिए हम सबका दायित्व सदन की गरिमा बनाए रखने का है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सब पक्ष और प्रतिपक्ष मिलकर जनता के विश्वास पर खरा उतरकर लोकतंत्र की परंपराओं को मजबूत करेंगे, इस सदन के गौरवशाली इतिहास को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहती हूं कि प्रदेश के विकास में न कोई पक्ष है और न कोई प्रतिपक्ष। हमें सबको जनता ने चुनकर यहां भेजा है। हम सब मिलकर राजस्थान के नवनिर्माण के लिए खुले दिल से संवाद कर अपना योगदान देंगे। राजस्थान के विकास के लिए जहां जहां प्रतिपक्ष के मान्य सदस्यों ने कभी भी विचार विमर्श करने की आवश्यकता महसूस की तो मैं निश्चित रूप से उनसे मिल बात करके करूंगी। मैं उम्मीद करती हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखने और प्रजातांत्रिक ढांचे को और मजबूत करने में आपकी भूमिका उपयोगी साबित तो होगी और आपके कार्यकाल में यह सदन नए ऊंचाइयों को छुएगा। और आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी बधाइयां देके मैं अपनी बात पे विराम देती हूँ।